बाहर क्यों आए? नंदू, वो मुझे पता था आप चुपचाप नहीं बैठोगे। शक्ति के पास जा रहे हो ना? हाँ। बिल्कुल नहीं, अपनी तबीयत देखिए भैया, मुश्किल से तो आप खड़े हो पा रहे हो भैया, और आप घर के बाहर जा रहे हो। आपकी लेटे लेटे भी बॉडी कांप रही थी भैया, मैं आपको बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। जाना जरूरी है नंदू, आराम करना भी उतना ही जरूरी है। किसी की जिंदगी का सवाल है, आपकी सेहत का सवाल है भैया। अगर मैं नहीं गया ना नंदू, तो रिमझिम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रिमझिम मतलब? मतलब अभी टाइम नहीं है, जब वापस आऊंगा सब कुछ बता दूंगा। भैया सुनो मेरी बात प्लीज, छह साल से आपने इसे छुआ भी नहीं है भैया, पर आज मुझे इसकी जरूरत है। भैया बाइक पर डेंजरस हो सकता है भैया, प्लीज सुनो, प्लीज मत जाओ प्लीज। अगर ये शादी नहीं रुकी ना शक्ति, तो हम अपनी जान दे देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, ये एक भाई का प्रॉमिस है तुम्हें। ये शिव इतने रात को अकेले कहाँ चला गया, वो भी बाइक पे? इस बाइक को तो उसने पिछले 6 साल से छुआ तक नहीं था, कहीं कहीं मेरे पूरे किए कराए पर पानी ना फिर जाए। कहाँ जा रही हो? डॉक्टर साहब, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहता। शक्ति, शिव आ रहा है तुम्हारे पास। नंदू इधर आओ। जी छोटी मम्मी। शिव कहाँ है? शक्ति को तो अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था। तुझसे कह रही हूं सक्तुड़ी,
खबर न हो तो कह दूं, पैर की आहट से ही माँ को पता चलता है कि ये कौन सा बच्चा है। वो चाची जी। अंदर आ, बोला ना, अंदर आ। कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? चाची जी, वो हम अब अपनी चाची से भी झूठ बोलने लगी तू? झूठ मत बोलो। मुझे पता है वो घर पे नहीं है, मैंने देखा उसे बाहर जाते हुए, और तुम भी थे वहां। कहाँ है शिव बताओ? नंदू, मैं उसकी सेफ्टी के लिए पूछ रही हूँ। उसे शौक लगा था आज, और वो अभी घर पे नहीं है, अकेले कहीं चला गया है। कहाँ गया है मुझे तो बताओ कम से कम। वो शक्ति दीदी के पास गए। नहीं चाची जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोलती एम? तो ये क्या है? तेरा झूठ तेरे हाथ पे लिखा है। क्या? क्यों? छोटी मामी वो कह रहे थे कि रिमझिम दीदी के जिंदगी का सवाल है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की छोटी मामी, पर वो माने ही नहीं। इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम नंदू? जिसे शौक लगा है, ऐसे तुमने उसे अकेले जाने के लिए दे दिया। तुम खुद नहीं रोक पाए तो मुझे कहते, मैं रोक लेती उसे। क्या एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम नहीं कर पाओगे, कैसे होगा ऐसे? बताओ क्या हुआ भाभी? क्या हुआ मंदिरा? भाई साहब, शिव शक्ति से मिलने चला गया है, इतनी रात ही रात को, किसी को बिना बताए। ये शिव शक्ति के कांड खत्म ही नहीं होते हैं। क्या कांड है ये? चाची जी, मेरा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता ये नाम हमारे हाथ में कैसे आया। एक खबर न हो तो कह दूं, ये नाम ना तेरे दिल में, तेरे दिमाग में कब से आ चुका है, तो ये हाथ में आने में कितना टाइम लगेगा? आ गया हाथ पर भी। चाची जी, प्लीज हमारा भरोसा कीजिए, हमारा भरोसा कीजिए। वही तो नहीं हो रहा ना सक्तुड़ी, तेरा भरोसा ही नहीं हो रहा मुझसे। ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है? चाची जी, अब कहती थी ना कि आपको रिमझिम दी से ज्यादा, धर्म भैया से ज्यादा हम पर भरोसा है। था रिमझिम और धर्म, क्या मुझे तो अपने आप से भी ज्यादा भरोसा तेरे पे था सकती, पर तूने तो वो भरोसा ही तोड़ दिया। आज के बाद मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।
झूठी है तू, झूठड़ी। ठीक है, आपको लगता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हमें सजा मिलनी चाहिए। तुझे बता के गया और तूने सजाने दिया? मामा मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, भैया नहीं रुके। एक काम दिया तुझे करने के लिए, शिव की देखभाल करना, वो भी तुझसे ढंग से नहीं होता है। कभी कभी तो इस तरह का बर्ताव करता है कि हमें अपनी परवरिश पे शक होने लगता है। अरे बेचारे नंदू का क्या दोष है इसमें? इसका दोष है कि इसने सामने सामने जाने दिया उसको। इसका दोष नहीं है। एक बात सुन लो रघुनाथ, शिव शक्ति की जोड़ी खुद भोलेनाथ ने बनाई है। जितना हम उन्हें एक दूसरे से दूर करेंगे, उतना ही वो तड़पेंगे एक दूसरे के पास जाने के लिए। मैं और वेट नहीं कर सकता, अंदर चला जाता हूं। नहीं, अगर मैं अंदर गया और मोगैम्बो ने देख लिया तो मोगैम्बो बिल्कुल खुश नहीं होगा और वो शक्ति को भी खुश नहीं रहने देगा। शांत शिव, शांत, वेट। वही जो तू करने जा रही थी। तुझे तकलीफ हो उससे तो अच्छा है ना कि मुझे तकलीफ हो। क्या लगा तू अपने आप को चोट पहुंचाएगी और तेरी चाची चुपचाप देखती रह जाएगी तमाशा? ये छोकरी, खबर न हो तो कह दूं कि बच्चे को दर्द होता है ना तो माँ वो दर्द पहले अपने आप पे ले लेती है। मैं तुझे चाहे कितना भी डांटू, कितना भी गुस्सा करूं, पर क्या मुझे तेरा दर्द नहीं दिखता?
तेरे आंसू नहीं दिखते दिख रहा। चाची जी हमारे लिए अपना हाथ जला लिया। बेटा हाथ जल जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़की की इज्जत नहीं जलनी चाहिए। बेटा इज्जत लड़की का गहना होता है, और खबर न हो तो कह दू, जब एक लड़की घर के बाहर जाती है ना तो उसके साथ साथ पूरे घर की इज्जत लेकर जाती। अगर इज्जत को इतना भी डाग लग जाए ना तो दुनिया वो डाक को जिंदगी भर मिटने नहीं देती, पर नहीं भूलने देती। मैं बढ़ते कदम को रोक ले सकतुड़ी, मैंने पहले भी तुझे समझाया था दिख रहा, हमारी और कश्यप ये दोनों की हैसियत में बहुत फर्क है। रोक ले अपने दिल को, ना जो कुछ भी होगा ना उसका दर्द ना तू सह पाएगी ना हम में से कोई। चाची जी आपने आज तक हम पे इतना भरोसा किया तो बस एक बार फिर हम पे भरोसा कर लीजिए। हम ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको या हमारे परिवार को दर्द पहुंचे। और गाइडी सो जाइए, आइए पता तो नहीं चल गया कि मैं घर पर नहीं हूं। शिव फोन नहीं उठा रहा है। नंदू तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें कैसे भी उसे रोकना चाहिए था। मामी मैंने बहुत मना किया, वो नहीं रुक रहे थे मामी। थोड़ी देर पहले शिव बेहोश था और तुमने उसे अकेले जाने दिया, वो भी इतनी रात को, ये सही है क्या बताओ? भाभी अगर आपने उसे जाते हुए देखा तो आपने क्यों नहीं रोका शिव को? देखा तो मैंने बहुत कुछ। बता दूं माँ, हाँ मैंने देखा शिव को, बल्कि जैसे ही मैंने उसे देखा मैं सीधे चली गई उसके पास, पर तब तक वो चला गया था। फिर मैंने नंदू को वहां देखा और मुझे लगा शायद नंदू को पता होगा कि शिव कहाँ है, इसलिए मैंने उससे पूछा। मामी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, I'm sorry। कैसे माफ करूं नंदू,
इतने सालों के बाद शिव की जिंदगी में खुशी आई है। अब अगर इस इंसिडेंट की वजह से शिव वापस वैसा हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। छोटी ना 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 रोना नहीं। तू चिंता मत कर, भोलेनाथ ने उन दोनों को मिलाया है ना, उन पे भरोसा रख, वो ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। शक्ति से मिलने देर रात को क्यों चला गया? रिमझिम की जिंदगी का सवाल है। ऐसी क्या बात हो सकती है? पता करना पड़ेगा। कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। डॉक्टर शिव सारी बातें यहीं करेंगे, जल्दी चलिए। जल्दी चलिए। चल रहा हूं। ओ, इतनी रात के कौन फोन कर रहा है? मंदिरा जी, इतने रात के फोन किए? हेलो, जय सोमनाथ मंदिरा भाभी। इतने रात के फोन किया, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? वहाँ आप लोग आराम से सो रहे हैं और यहाँ हमारे पूरे परिवार की नींद उड़ गई। हेलो, आपने सुना ना मेरे क्या? हेलो हेलो हेलो